दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ओसीडी के दौरान आपको सफल कौन बना सकता है, ओसीडी से जो है कि आपको मुक्ति कौन दिला सकता है, ओसीडी से आपको जो है कि आज़ाद कौन कर सकता है। इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे इस वीडियो को, कुछ कुछ बीच में आपको ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिससे कि आपको ओसीडी जो है कि झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आप लोग इसलिए लास्ट तक जो है कि बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप अभी ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं और आपको जो है चिंता परेशानी, जो डाउट, कोई थॉट मन में अटक गया होगा, कोई बार बार विचार आ रहा होगा और उसके वजह से आप एंजाइटी फील कर रहे होंगे। हम आपकी समस्याओं को समझ पा रहे हैं क्योंकि वो जब इमोशन जब हावी होता है तब आपके साथ क्या हो रहा होगा। तो दोस्तों इसको कौन निकाल सकता है आपको इससे बाहर? तो बाहर आपको कौन निकाल सकता है? तो आप आईना में जाकर के चित्र देख लीजिए तो वहां पर चेहरा सिर्फ आपका दिखाई पड़ेगा, मतलब आप ही खुद अपने आप को ओसीडी से बाहर निकाल सकते हैं। वो कैसे? जब आप अपने पर विश्वास करेंगे कि हम ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं तब आपको रास्ता मिलना चालू हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई काउंसलर आपको क्या कर सकता है, बता सकता है, सिखा सकता है कैसे निकलिए, लेकिन पहले आप विश्वास करेंगे कि हाँ ओसीडी से हम ठीक हो सकते हैं, तब जा करके आपका जो आपके अंदर बिलीफ सिस्टम जब पनपेगा तब आप जा करके बाहर निकलेंगे। और ओसीडी को हम कितनों बताते रह जाए, कुछ आप उसको फॉलो ही नहीं करें, आप उसको करेंगे नहीं तो कभी भी नहीं निकल सकते। जब तक आप खुद के लिए आपको आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हमें ओसीडी से बाहर निकलना है, हमें चिंता परेशानी से बाहर निकलना है, तो आप जब तक जो है कि अपने तरफ से नहीं करेंगे कोशिश, अपने तरफ से नहीं करेंगे जो है कि प्रयास, तो ये ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं। तो सिर्फ एक ही आदमी है जो कि आपको ओसीडी से बाहर निकल सकता है, वो है आप। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको अपने लाइफ में जो ये समस्या आ रही है माइंड की वजह से, तो समझिए माइंड कैसे काम करता है। बहुत सारी वीडियो दिया मैं यूट्यूब पर, किसी का वीडियो देख करके आप समझिए उसको और उससे जो है कि लाइफ से बाहर निकलिए ओसीडी से। तो हम इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले थे कि आपसे कि ओसीडी में जो आपको ये समस्या आ रही है इसे आपको बाहर सिर्फ आप ही अपने आप से निकाल सकते हैं, कोई भी आपको कोई दूसरा पर्सन नहीं निकाल सकता है। क्योंकि कोई कुछ बताएगा जब आप सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो कैसे निकलेंगे बाहर? तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। हाँ हम ही हैं जो कि हम करेंगे तो हम निकलेंगे। कोई बता सकता है लेकिन काम तो आप ही को करना होगा ना। खाना तो परस के दे सकता है लेकिन खाना तो आप ही को खाना होगा ना। तो ये चीज़ जो है काम आपको करना पड़ेगा। बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसके लिए जो निर्णय लेना है कि हमको बाहर निकलना है तो वो कौन लेगा, वो आपको डिसीजन लेना होगा। तो आप बाहर निकलने के लिए तैयार होंगे तो रास्ते बहुत सारे निकल जाएंगे। जैसे आपको ट्रेन का टिकट कटा हुआ रहता है कहीं जाने के लिए, तो और भी कोई इंपॉर्टेंट काम भी रहता है तब पर भी उसको साइड करके आपका पर्पस क्या होता है, ट्रेन पकड़ना है, तो डिसीजन आपका क्लियर होता है। तो मतलब उसी तरह से ओसीडी से हमको बाहर निकलना है, तो ओसीडी से बाहर निकलना है तो हमको तैयार होना पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना होगा। तो आप डिसीजन लेंगे तब तो जाके वो सीडी में ठीक हो पाएंगे ना। तो जो काम होता है काम पे जो है कि कौन लगेगा, वो काम तो आप ही करना पड़ेगा।